हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ग्लैम सीक्रेट्स और मैं हूँ आरती शर्मा। फ्रेंड्स, लंबे बाल आजकल किसको नहीं पसंद है, सबको लंबे बाल चाहिए, चाहे गर्ल्स हो चाहे लेडीज हो, सबको लंबे बाल चाहिए। लेकिन लंबे बाल करने के लिए उसमें ग्रोथ का होना बहुत जरूरी है और आजकल तो बाल झड़ने की भी समस्या बहुत ज्यादा हो गई है। बाल पतले हो जाते हैं बाल झड़ने के कारण और फिर वो बेजान से दिखते हैं। तो आज मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ एक ऐसा घरेलू ऑयल जिससे आपके बालों की लेंथ भी बढ़ेगी और आपके जो बाल हैं वो घने भी होंगे और टूटने भी बंद हो जाएंगे। मैंने आज से एक महीने पहले अपने बालों को कट किया था, कटिंग की थी और उनकी जो लेंथ थी, देखिए मेरे ये लंबे, इतने लंबे बाल हैं, मैंने उनको इतना कट कर दिया था, इतना मैंने मतलब इनको कट कर दिया था और अब देखो मेरे बाल कितने लंबे दोबारा से हो चुके हैं। तो मैं जिस हेयर ऑयल को लगाती हूँ आज मैं आपके साथ वही हेयर ऑयल शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि जो ये हेयर ऑयल है, इस हेयर ऑयल को यूज करने से आपके बालों की लेंथ भी बढ़ती है, आपके बाल झड़ना भी बंद हो जाएंगे और साथ ही साथ आपके जो बाल हैं वो घने भी होने शुरू हो जाएंगे। एक्चुअली क्या है ना, मार्केट में तेल तो बहुत सारे हैं बट उनकी जो कॉस्ट होती है वो बहुत ज्यादा होती है, जो कि शायद हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है। तो क्यों ना हम घर पे ही ऐसा तेल बना ले जो हमारे बालों की इन सारी समस्याओं को दूर कर दे। तो अब मैं आपको वही तेल बताने जा रही हूँ जो मैंने अपने बालों में अप्लाई किया और जिससे मेरे बालों की तो ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो गई। और मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के बाल, अगर आप भी अपने बालों को लेकर बहुत परेशान हैं, तो आपके बालों की भी जो ये दिक्कत है, समस्या है, वो दूर हो जाए। तो अब मैं आपको बताती हूँ वो तेल कैसे बनाते हैं। ऑयल बनाने के लिए हम सबसे पहले पैन लेंगे और पैन को गैस की फ्लेम पे रख देंगे। अब इसमें हम सबसे पहले डालेंगे नारियल का तेल। यहाँ मैंने पतंजलि का नारियल तेल लिया हुआ है, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। और नारियल के तेल को हम एक कप लेंगे और क्योंकि मैंने ये सर्दियों में बनाया था तो नारियल का तेल जमा हुआ है, अब इसे मैंने गर्म होने के लिए छोड़ दिया है। और इसके बाद मैं इसमें मेथी दाना डालूँगी, यानी फेन्युग्रीक। फ्रेंड्स, फेन्युग्रीक में विटामिन ए, के और सी होता है और इसमें फॉलिक एसिड भी होता है। ये जो तत्व होते हैं ना, ये बालों की ग्रोथ के लिए तो बहुत अच्छे होते हैं और अगर आपके बाल डैमेज हो चुके हैं तो इन बालों को भी ये बहुत अच्छे से ठीक करता है। इसके बाद इसे हम अच्छे से होने देंगे ताकि जो मेथी के जितने भी गुण हैं ये इस तेल में अच्छे से मिक्स हो जाएं। और अब इसके बाद मेथी बहुत अच्छे से हो चुकी है और फिर इसमें हम अपना दूसरा तीसरा इंग्रेडिएंट डालेंगे, वो है नीम। नीम मैंने इसलिए लिया है क्योंकि नीम बालों के लिए बहुत अच्छा आता है, इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मैं इसको आगे बताऊँगी। इसके बाद मैंने इसमें विटामिन ई कैप्सूल ली है, ये मैंने दो ली है। और अब हम इसको क्या करेंगे, चाय छन्नी की हेल्प से छान लेंगे और एक एयर टाइट कंटेनर में डाल लेंगे। मैं सरसों के तेल को गर्म करना ठीक नहीं समझती हूँ क्योंकि बचपन से हमें ये कहा जाता है कि गर्म सरसों का तेल सर में लगाने से बाल वाइट होने शुरू हो जाते हैं, तो इसीलिए तेल जब ठंडा हो जाएगा तो उसमें सरसों का तेल आप एक कप की अप्रॉक्स डाल लें। आप देख सकते हैं कि जब मैंने तेल बनाया था वो कितना था और अब मुझे एक महीना हो गया है यूज़ करते करते, ये तेल इतना हो चुका है। आप चाहे तो कॉटन बॉल की हेल्प से इसे लगा सकते हैं बालों से, नहीं तो आप अपनी फिंगर टिप से भी लगा सकते हैं। मैं आपको कॉटन बॉल से लगाकर दिखाती हूँ। पहले आपको अपनी रूट्स में भी लगानी है और एंड तक बालों में भी लगाना है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। अब मैं आपको फिंगर की हेल्प से लगाकर दिखा रही हूँ। मैं जब भी ऑयल लगाती हूँ तो मैं अपने फिंगर से ही लगाती हूँ, मैं कॉटन बॉल से नहीं लगाती हूँ क्योंकि मुझे हाथों से लगाना बहुत अच्छा लगता है और इससे क्या होता है ना, बालों की मसाज भी होती जाती है, स्कैल्प की भी मसाज बहुत अच्छे से हो जाती है। तो इस तरीके से लगाया मैंने आपको बताया था। मैंने नीम किस लिए लिया है, क्योंकि नीम में ना एंटी फंगल और एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होते हैं जिसके कारण ये बालों की ग्रोथ के लिए तो बहुत अच्छे होते हैं। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि अगर आपके स्कैल्प में कोई इन्फेक्शन हो रखा हो तो ये उसे भी ठीक कर देता है, क्योंकि इन्फेक्शन होने से क्या होता है ना कि बाल ना झड़ने शुरू हो जाते हैं। और ये जो नीम है ये क्या होता है, इसमें एंटी फंगल होने के कारण ये क्या करता है, उन जो इन्फेक्शन होता है उनको ठीक कर देता है, जिससे आपके बाल बढ़ने भी शुरू हो जाते हैं और झड़ने भी कम हो जाते हैं और जो बेजान बाल होते हैं वो फिर से जान आ जाती है उन बालों में।
ये देखिए यहाँ में मैंने कटोरी है जिसमें जिस कंटेनर में मैंने रखा था उसमें मैंने अपने बालों का जो एंड है उसे पूरी तरीके से डिप कर लिया है और फिर उसे मैं अच्छे से मसाज करना शुरू कर दे रही हूँ। एंड के बालों को भी मसाज देने के बाद स्कैल्प पे भी मसाज करेंगे और जब ये स्कैल्प पे मसाज वाला काम ख़त्म हो जाएगा तो अब मैं क्या करूँगी, एक हाई बन बना लूँगी। एक घंटे के लिए इन्हें छोड़ दूंगी और फिर एक घंटे के बाद अपने बालों को वॉश कर लूंगी। अब इसको लगाने का तरीका क्या है? आप इसको लगाने के लिए सबसे पहले तो आप अपने बालों को जब भी धोने जाएं, आप पहली बात तो आपको वीक में 3 टाइम्स 3 बार अपने बालों को धोना है और जब भी आप अपने बालों को धोने जाएं तो इसे 1 घंटे पहले अपने बालों में लगा लें और बालों में लगाने के बाद इसे कवर कर लें तो बहुत अच्छा होगा। और अगर आप कवर नहीं कर सकते हैं तो उसको जूड़ा बना के छोड़ दें। जब ये अच्छे से आपके बालों में आपकी स्कैल्प में अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाएगा तो ये धीरे धीरे अपना काम करना शुरू कर देगा और आप फिर देखना कि आपके जो बालों की ग्रोथ है वो बढ़ जाएगी 1 से 1.5 महीने में ही। लेकिन आपको इंतजार करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहूंगी कि आपके 7 दिनों में बाल बढ़ जाएंगे या 6 दिन में बाल बढ़ जाएंगे, नहीं, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा लेकिन आपके बालों की जो ग्रोथ है वो जरूर बढ़ेगी। लेकिन जिस तरीके से मैंने आपको बताया है आपको वही तरीका अपनाना होगा। आप जब भी अपने बालों में इस तेल को लगाएं तो रूट से लगाना शुरू, आप इसको स्कैल्प में लगाएं, आप देखना आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें, शेयर भी कर सकते हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।